सो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 10 अप्रैल संडे, रामनवमी स्पेशल। सबसे पहले तो सभी मेरी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही बस प्रार्थना है। और आज स्पेशल व्लॉग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बैडी राजाबक्षा मंदिर, सॉरी उद्यारेश्वर मंदिर, जो कि बड़ा मंदिर है नागपुर में, रामनवमी राम जी का। और रामनवमी की अच्छी खासी पालकी वहाँ से निकल के बड़ी रथ वगैरह रहती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो देखते एक्सप्लोर करेंगे। बस सुबेरे कंपनी से आया, अभी नहाया, फ्रेश वगैरह हुआ, अभी 12:15 बजे तो खाना खाऊंगा और निकलूँगा। साथ में फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। अब साथ में कौन कौन जा रहा है वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, जैसे जैसे सब जन मिलेंगे वैसे वैसे, तो 4-5-6 जितने जन मिलेंगे तब उतने जन जाएंगे। तो देखते अभी पहले खाना खा लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो खाने में कढ़ी रोटी और आलू की सब्जी, साथ में राजमहल 3। तो अभी घर से निकल रहा हूँ और अभी मैं ईश्वर भाई की राह देख रहा था, तो ईश्वर भैया आ गए नीचे और साथ में मेरे साथ यहाँ से आदित्य भैया भी आ रहे और दत्ता भी आ रहा है, तो दत्ता को लेने हम जाएंगे। तो निकल रहे अभी, चलो चलते। तो ये हमारे ईश्वर भाई मुंबई रिटर्न, और ये हमारे मोहल्ले का जुगाड़ समर का, पानी चला जाता है सबके बोर का, क्योंकि देखो हमारी बस्ती ऐसी पहाड़ी पे, तो सबके बोर का पानी चला जाता है समर में, तो ये जुगाड़ रहता है, टैंकर आता है। तो अभी दत्ता भाई की राह देख रहे हैं, हम ही निकलते हैं दत्ता भाई के घर के रास्ते पे, मिल जाएंगे वो रास्ते में हमको, तो वहीं से उठा लेंगे। अभी आदित्य आ रहा है, शूज़ पहन रहा था वो, आ जाएगा फिर निकलते हैं। तो दत्ता भाई तो मिले थे हमको रास्ते में, तो तभी सुषम भाई का कॉल आया, सुषम भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत बराबर नहीं है, तो बोल रहे थे घर से टिफ़िन ला के दो। तो दत्ता भाई और ईश्वर भैया टिफ़िन देने गए हैं, हम जा रहे हैं चेतन भाई के घर की तरफ, वो लोग आ जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे बर्डी उद्यारेश्वर मंदिर और देखते हैं बर्डी भी जाएंगे, घूमेंगे थोड़ा फिरेंगे, बहुत दिन के बाद जा रहे हैं ना। तो अभी अपने जय माता दी धुमाल के ऑफिस पे पहुँचा हूँ, ये चेतन भाई का घर, चेतन भाई आएंगे और ईश्वर भाई और दत्ता आने का है, तो वो लोग आने के बाद निकलेंगे बर्डी। और सजावट हुई है गाड़ी की थोड़ी बहुत, देख सकते हो आप लोग, है ना, जे एम डी के बीच में फूल लग गए हैं और उसमें लाइटिंग भी है और लगने वाली भी है, यहाँ पे रखे कुछ लगाएंगे, शाम तक लग जाएंगे, शाम को ऑर्डर है कहीं तो भी, रामनवमी का शादी का ऑर्डर है। लेकिन आज वो क्या हुआ है ना कि एक हिंगना वाले, मतलब हिंगना में साहू जी, मतलब कोई तो भी है भैया जिनका कैटरर्स का काम है, तो वो रोशन भैया के बहुत कई भी दोस्त है, तो उन्होंने दिया ऑर्डर, तो उनको मना नहीं कर सकते थे, इसलिए आज शादी का ऑर्डर लिया रोशन भैया ने। तो यही कई सिटी में, जरीपटका में शायद, हाँ जरीपटका में ऑर्डर आज का जाएंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ ऑर्डर पे, मैं तो आराम करूँगा क्योंकि रात को ड्यूटी है ना, नाइट चल रही मेरी, तो मैं आराम करूँगा। हम जाएंगे 14 को हिंगन घाट या जाम कहीं तो भी जाना है 14 को, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में। तो ये नई मशीन लाई है, काय की मशीन है तेजस भैया, बबल्स बोल रहे, वाह कैसे बबल्स, तो पता नहीं अभी, ये देखो ऐसी मशीन है, देखेंगे अभी कैसा है, कमाल करती मशीन, आज लग रही है क्या शाम को फिर। क्या हुआ दत्ता भाई, गाड़ी बोला गाड़ी अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही, हाँ। क्या नया लगा गाड़ी में, फुल लगाए ना भाई, फुल लगाने से गाड़ी अच्छी दिख रही, जेएमडी जेएमडी नाम समझ गया मैं तो, बोल रहा और सजा देंगे बाकी आजू बाजू से भी फुलों से और अच्छी लगेंगी गाड़ी। तो दत्ता भाई आ गए हमारे, लो 10 रुपये वाले। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग, 12:30 बज गए, हम आए 12:30 11 बजे ना, हाँ 12:30 बजे है और हम, हाँ एक बजते आ रहा है, हम आए 12 बजे। तो ये क्या बोलते, निशिकांत भाई और रितेश भाई आने के थे इसलिए हम रुके हुए थे, तो अभी निकलते। तो हमारे साथ जा रहे ईश्वर भाई, दत्ता भाई, हमारे रितेश भाई और निशिकांत भाई और आदित्य, चेतन घर गया है, चेतन भाई भी आएंगे और मैं, तो जाके जल्दी वापस आना है वैसे भी हमको, क्योंकि भाई लोगों को ऑर्डर पर जाना है, टाइम भी हो गया, इनको 2 बजे जाना है, 1 बज भी गया अभी, तो अभी हम बल्डी जाके रिटर्न आएंगे वापस।
तो अभी हम लोग है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बल्डी, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से जाना जाता है। शनि मंदिर एरिया, शनि मंदिर भी और साई मंदिर भी एक ही इसमें, और साईपाल की जाती है नागपुर की वो भी यहीं पे आती है। और ये यहाँ पे महाप्रसाद का प्रोग्राम, रामनवमी स्पेशल, और आपको जगह जगह पे महाप्रसाद मिलेगा बल्डी सॉरी नागपुर में, डीजे और महाप्रसाद जगह जगह पे मिलेगा। ठीक है, ये साई बाबा मंदिर और शनि मंदिर भी यही है। तो अभी हम लोग रुक गए हैं शनि मंदिर के पास इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, क्योंकि निशिकांत भैया और रितेश भैया वो अलग रास्ते से निकल गए थे, तो आ रहे यहीं पे, तो उनके लिए रुके, फिर जाएंगे उद्धरेश्वर मंदिर की तरफ और वहाँ देखेंगे क्या प्रोग्राम है। रोशन भैया तो आ गए थे पहले सिटी से, तो वो बोल रहे थे कि अभी तक की तो कुछ नहीं है बोले, जो रहेगा शाम को रहेगा बोले, झांकी वगैरह पालकी वगैरह जो भी निकलती है। तो मेरे हिसाब से तो पालकी हर एक अलग अलग जगह से निकल जाती है सवेरे, फिर वो रात को एक जगह पे आके मतलब एक लाइन में आ जाती पूरी, तो हमको जहाँ मिलेंगे वहाँ अपन देखेंगे अभी। और चेतन भैया यहाँ पे बताया अपन ने नींबू पानी पी थी सामने, याद आया कपड़े लेने गए थे अपन हिटलर। हाँ हाँ, तो कैसा आज पीना फिर तुम्हारी तरफ से? चलो ठीक है, भैया लोगों को आने दीजिए। और हम आदित्य भैया से थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं कि कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ पहली बार सिटी में आके आने के। आदित्य अभी टेंथ में था, उसकी एग्जाम हो गई, तो उसको मतलब टेंथ की वजह से कहीं जाने नहीं मिलता था, तो आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ सिटी आया है। सिटी मतलब पहली बार सिटी आया मेरे साथ, ठीक है, ऐसे तो हम अनाडोमी में बहुत फिरते थे पास पकड़ लेते हैं, लेकिन पहली बार सिटी आया है। और उसको रामझूला देखना है, पहली बार तो मेन बात रामझूला देखना है उसको, तो देखते हैं रामझूला भी दिखाएंगे उसको। अभी हम फ्लाई ओवर पे है, गणेश टिकट फ्लाई ओवर, बाजू में रेलवे स्टेशन है, और सामने में वो बिल्डिंग का नाम तो नहीं पता, जाने दो छोड़ो, ये अपना गणेश टेकड़ी मंदिर। ठीक है, अगर अपने पास टाइम होता ना तो पक्का गए होते और एक्सप्लोर किए होते, तो इस पर अपना कभी स्पेशल व्लॉग बन जाएगा बाद में कभी। लेकिन बहुत बड़ा मंदिर है, शायद मैंने पहले भी दिखाया था आपको व्लॉग में, याद तो नहीं है पर दिखाऊंगा। तो अभी भाई लोग सामने चले गए, हम भी जाते हैं सामने रामझूला, और देखने लायक है रेलवे स्टेशन, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जा रहा हूँ अभी उधर ही, मैं जानबूझ के गाड़ी इधर से डाला हूँ क्योंकि अपन जाएंगे रामझूले के ऊपर से, नहीं तो हमको मंदिर में जाना था तो हम नीचे से भी जा सकते थे पीछे वाले एरिया से, है ना। और ये अपना इंडिया का फ्लैग जो कि रेलवे स्टेशन पे लगा है नागपुर, और ये अपना रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए रेलवे स्टेशन, और ये रहा रामझूला। नागपुर सिटी में सबसे फेमस मतलब टॉप 10 में तो आता ही है, जो भी नागपुर आता होगा बाहर से एज ए टूरिज़र वो तो पक्का इसको यहाँ पे तो विजिट करते ही होगा। घूमने लायक नहीं है लेकिन देखने लायक एक नंबर प्लेस है ना। मैं आपको नीचे उतरने के बाद इसका सीन दिखाता हूँ और अच्छा दिखेगा। और ये रोड जाता है सीधा, कहाँ जाता है, ये जाता है पाइडी। और ये है नागपुर का मेन हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसका नाम है इंदिरा गांधी है ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, शायद तो इंदिरा गांधी महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल है ना ये, हाँ वही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं मेन हॉस्पिटल के पास, पीछे जाना है ना हमको मंदिर के पास, यहाँ पे रुके फिर चलते हैं उधर ही। गाड़ी लगाए, गाड़ी पार्क कर रही है ईश्वर भैया, हमने कर दी। तो चलो एक एक से पूछते हैं कैसी फीलिंग आ रही है। दत्ता भाई कैसा लग रहा है? माहौल बन गया, मतलब अपने को कुछ जैसा माहौल चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पॉट पे आए अपन। ईश्वर भाई माहौल चल रहे उधर, क्या डीजे लगे ना वहाँ? अरे डीजे से कुछ नहीं होता ना भैया, अपन आए झांकी देखने, जाके तो दिख रही नहीं हो। मुंबई के बाद अपन मुंबई के छः महीने मुंबई में रहने के बाद आप नागपुर आए, कैसे लग रहा है नागपुर में? लग रहा है दिन के बाद सब लोगों के साथ अच्छा लग रहा है। चलते अभी मंदिर की तरफ, चलो। तो अभी रोड क्रॉस करते हुए मंदिर जाने के लिए, पब्लिक देख सकते हो आप मंदिर की तरफ, देख रहे हो भैया भीड़ बहुत भीड़ है मंदिर में, मतलब कोरोना जाने के बाद पहली बार ये हो रहा है, मतलब सेलिब्रेट हो रही है रामनवमी अच्छी तरीके से, इसलिए भीड़ वगैरह जमी है। पूरे दिए लगाए हैं और क्या लिखा है, जय श्री जय जय राम।
राम जी की भक्ति में खून। तो ये देखिए, ये पुद्धरेश्वर राम मंदिर नागपुर, बहुत बड़ा मंदिर है अंदर से भी अगर आप देखोगे तो। जिनको नहीं पता था उनको बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा ना। और भीड़ भी देखो कितनी यहाँ पे, उद्धारेश्वर राम मंदिर नागपुर। भैया, अरे भैया, वो इतनी साल रहा यार, पहली बार पता चला यार राम मंदिर घर के। और वो भी इतना बड़ा, वो भी इतना बड़ा, मुझे पता था। हम पहले धनकुली में रहते थे ना, तो शाम 7 बजे से 12 बजे तक के हम रैली, मतलब जो पालकी आती है उसके लिए बैठे रहते थे रोड पे, पानी की बोतल लेके मम्मी पापा के साथ। तो बचपन की बात थी, अभी उसको कम से कम 17-18 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, कम मतलब 16 साल तो हो गए पक्का। तो ईश्वर भाई का ये कहना है कि ऑर्डर पे जाना है तो अभी मंदिर में नहीं जाएंगे अंदर, बाद में कभी आएंगे और बाद में कभी व्लॉग भी बनाएंगे। तो अभी बस घूमते फिरते और रिटर्न जाते, हमने दर्शन दूर से ही कर लिए, तो अभी घूमते थोड़ा और जाते रिटर्न। और ये नागपुर का कॉटन मार्केट, सबसे फेमस बिल्डिंग, फेमस हो गई है अभी बॉलीवुड में आगे भी बिल्डिंग, पता है कौन सी इसमें, जून में, जून की शूटिंग हुई है यहाँ पे, यहाँ पे अंदर भी हुई है और उसकी बाहर भी बाजू में भी हुई है। और ये कॉटन मार्केट एरिया, ये देखिए, अभी अंदर नहीं जाएंगे, बिन पकड़ 20 रुपये चले जाएंगे पार्किंग के। तो अभी हम लोग रुके हैं अभ्यंकर नगर चौक में, आइस गोला खाएंगा कोई और कोई नींबू शरबत पियेंगा, बस रुके, रास्ते से जा रहे थे तो इच्छा हो गई तो सब लोग रुक गए अभ्यंकर नगर चौक। तुम क्या पियोगे, खाओगे या पियोगे? आइस गोला खाएंगे, ये आइस गोला खाएंगे। तुम भी खाओगे या पियोगे? नींबू पानी पियेंगे, ये पियेंगे। तुम क्या खाओगे, पियोगे या खाओगे? पियोगे, ये भी पीने वाले है। तुम खाने वाले हो कि पीने वाले हो? पीने वाले। और तुम खाने वाले हो कि पीने वाले? तुम खाते भी पीते भी दोनों? चलो ठीक है। भैया आपने इसमें शक्कर डाला, नींबू डाला, पुदीना डाला, भी मसाला डाला, शक्कर मसाला नींबू और पुदीना। और ये भैया की शॉप है अभ्यंकर नगर में, तो आओ अभ्यंकर नगर वाले विजिट करके देखो। अभी हम लेते नींबू शरबत पी के देखते कैसा बना रहे भैया। तो ये हमारा आ गया नींबू शरबत, अभी देखते पीते और कैसा है। बाकी सब पी रहे हैं, खत्म भी हो गया चेतन भैया का। तो ये देखो, तो जब भी हम लोग जा रहे थे सिटी, तब यहाँ पे नजर गई थी ट्रैक्टर कंपनी के पास, यहाँ पे अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया, डीजे वगैरह लगा है। तो अभी रुकते यहाँ पे, देखते थोड़ा बहुत सीन दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। देखिए आगा से आ गए हम अपने गोडाउन के पास, 1.5 घंटे में रिटर्न, जितना हो सकता था उतना घूमे। और रितेश भैया, देखो अपने को झांकी वगैरह तो देखने को नहीं मिली, फिर भी मजा आया। मजा तो 16 को चलते अपन हनुमान जयंती को, उद्धारेश्वर मंदिर भी जाएंगे और राजा बक्सा भी जाएंगे। 16 को लेंगे उद्धारेश्वर मंदिर का अंदर का सीन ब्लॉग। आज बहुत गर्दी थी इसलिए गए नहीं, आपको दिखा मैंने ब्लॉग में, है ना। तो अभी गोडाउन के पास है, भैया लोग निकलेंगे ऑर्डर के लिए, मैं जाऊंगा अपने घर देखूंगा, मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने चला जाऊँ। तो गाड़ी निकल चुकी है ऑर्डर के लिए, सुमित भाई कुछ तो भी कर रहे ऊपर में, आएंगे ऑर्डर पे, मैं जाऊंगा घर देखूंगा, अगर इच्छा हुई तो चला जाऊंगा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ हिंगना अपनी जय माता जी की वीडियो बनाने। मैंने बताया था आपको शादी का ऑर्डर है आज, तो हिंगना से झूला निकलना है पहले, फिर जरीपट का जाएंगे जय माता दी। तो मैं जा रहा हूँ इंगना वीडियो बनाने के लिए। ये हमारे हर्षल मास्टर और प्रोग्राम चालू होते हुए यहाँ पे गढ़ मंदिर के पास ऑर्डर बंद हो गया है, अभी जाएंगे जयरीपट का। और ये हमारे हर्षल मास्टर फिर से एक बार, तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा बजा लिया। और ये हमारे डप मास्टर चेतन भाई, साथ में अनुभव भैया और बाकी पूरी बजावट। तो ये पीछे में चांदतारा धुमाल, जो कि अभी पहले रिटर्न बारात बजाएंगी, उसके बाद शिव जयंती का प्रोग्राम बजाएंगी, और ये हमारे मास्टर लोग रामनवमी का प्रोग्राम बजाएंगी। हमारे बैंक मास्टर ड्राइविंग करते हुए, तो
अभी आए अश्विनी अमरुख तुल्य ऋतिक भाई चाय पिला रहे लगता शायद से। ऋतिक मास्टर हम चांता रुमाल के मास्टर लोगों के साथ आया हूँ। हाँ भाई बैठते ना बैठते ना। ये हमारे सचिन बहुबैन के मास्टर कर रहे थे ना आपको इंट्रोड्यूस। हमारे तेजस भाई की एंट्री हो गई, अभी तेजस भाई चाय पियेंगे, फिर तेजस भाई अपने कुछ कहानी बताएंगे। चाय नहीं पी रहे तो कुछ और अलग तरीके का कुछ अभी बैठे थे घर पे, सभी भाई लोगों को घर पे लेके आया था चांतारा वाले। सभी ने घर नहीं देखा था, बस तेजस भाई ने घर देखा था तो सबको लेके आ गया था। तो फिर से एक बार हमारे तड़कते फड़कते नागपुर के जाने माने पहचाने अपने सोनू भाई हमारे वाना डोंगरी में धूम मचाने आए हैं। तो आज देखते सोनू भाई काय का टेंशन में यार, ये सेकंड प्रोग्राम बजा रहे तुम आज, इसके बाद थर्ड प्रोग्राम भी है तुम्हारा, धूम नहीं मचा रहे तो क्या मचा रहे? तीन प्रोग्राम कौन बजा रहा? ऋतिक भाई जो माहौल कर रहा है वो हमारे भैया, उनको अभी पूरा जमाना पहचान रहा, कोई बात नहीं है।